नमस्ते दोस्तों, हाय हेलो, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ में ये भी उम्मीद है कि हमारी न्यूज आपके लिए मददगार साबित हो रही है। तो आज की डेट है 5 दिसंबर और खास आपके लिए हम फिर से कुछ ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। पॉलिटिक्स से लेकर जॉब तक और पेट्रोल डीजल से लेकर टेक्नोलॉजी तक तमाम खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, ये खबरें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आपके लिए चेतावनी हो सकती है और आपके लिए जरूरतमंद जानकारी भी हो सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिर तक देखें और बिना फॉरवर्ड किए देखें। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बुलंदशहर हिंसा के नंबर 1 आरोपी बजरंग दल के जिला अध्यक्ष योगेश राज ने बोला कि उसने अपने सामने गौ हत्या देखी है। जी हां, पुलिस को दिए बयान में योगेश राज ने बताया कि उसने सोमवार सुबह को खेतों में गौ कशे होते देखा था। वही अगली खबर है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू राजस्थान के कोटा में चुनावी प्रचार के लिए गए हुए थे, तब चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ने नीरव और ललित मोदी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। सिद्धू राजस्थान के कोटा में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ने नीरव और ललित मोदी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें 4 गांधी दिए हैं, जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। वही भारतीय जनता पार्टी ने हमें 3 मोदी दिए हैं, उसमें नीरव मोदी, ललित मोदी और अंबानी की गोद में बैठे नरेंद्र मोदी। बता दें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर को मतदान होगा। वही अगली खबर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला और तेलंगाना से भागने की बात कही तो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को सलाह दी है कि वो पहले चाय वाले थे मगर अब उन्हें वजीर आलम बनना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर जुड़ी है राम मंदिर से। अयोध्या मामले पर बाबा रामदेव ने बोला है कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो लोगों का बीजेपी से भरोसा उठ जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासत गर्म है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की बात कहते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अगर मंदिर नहीं बनता है तो बीजेपी लोगों का विश्वास खो देगी। रविवार को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा कि एक लोकतंत्र में संसद न्याय के लिए शीर्ष मंदिर है और नरेंद्र मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए एक अध्यादेश ला सकती है। अगर मंदिर नहीं बना वो भी तब जब करोड़ों लोग उसे बनते हुए देखना चाहते तो लोगों का बीजेपी से भरोसा उठ जाएगा, जो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। वही अगली खबर में पीएम नरेंद्र मोदी जी भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता के मुंह में कांग्रेस ने इतनी गलतियां की है जिनको आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हर गलती को ठीक करना मेरे नसीब में ही आया है। मेरा नसीब मेरी हाथ की लकीरों में नहीं बल्कि 125 करोड़ देशवासियों ने बनाया है। अगर करतारपुर रास्ता खुलता है तो इसका क्रेडिट मोदी को नहीं बल्कि 125 करोड़ लोगों को जाता है जिन्होंने अपने वोट की ताकत से रास्ता खुलवाया है। अगर पिछले चुनाव में 125 करोड़ लोगों ने मुझे ना दिए होते तो आज रास्ता ना खुलता। वही अगली खबर, केंद्र सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन चार्ज को खत्म कर सकती है। ये वो चार्ज है जो व्यापारियों को मंथली देना पड़ता है। औसतन एक पीओएस मशीन पर 600 से 1200 रुपए महीने का चार्ज लगता है। दोस्तों, अगली खबर आम आदमियों के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम में मंगलवार को लगातार 13वें दिन गिरावट दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल के दाम में 21 पैसे जबकि चेन्नई में 22 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। दिल्ली और कोलकाता में डीजल के दाम में 27 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 29 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के भाव क्रमशः 71 रुपए 72 पैसे, 73 रुपए 75 पैसे, 77 रुपए 29 पैसे और 74 पैसे 41 रुपए दर्ज किए गए। तो चारों महानगरों में डीजल की कीमतें क्रमशः 66 रुपए 29 पैसे, 68 रुपए 12 पैसे, 69 रुपए 48 पैसे और 70 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर दर्ज की गई है। दोस्तों, अगली खबर है कि भारतीय डाक मेल मोटर सर्विस ने अपने नोटिफिकेशन में विभिन्न पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती की सूचना जारी की है। जी हां, इसके आवेदन की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2018 और पदों का विवरण है मोटर व्हीकल मैकेनिक 9 पद, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन 1 पद, वेल्डर 2 पद और टायरमैन, पेंटर और टीम से मरने वालों के लिए 1 पद। और दोस्तों, अगली खबर है इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐप पर आप जल्द ही शॉपिंग कर सकेंगे। जी हां, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अब तक आप फोटो और वीडियो शेयर करते आ रहे हैं, बहुत जल्द आप इस ऐप पर शॉपिंग भी कर सकेंगे। भारत में इंस्टाग्राम यूजर अगले साल से शॉपिंग कर सकेंगे। ये शुरुआत एक टाइप मॉडल से होगी। शुरू में किसी फोटो के आगे बाय बटन होगा, जिसे टैप करने पर यूजर किसी विक्रेता की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां खरीदारी कर सके। तो ये थी दोस्तों कुछ खास खबरें। ऐसे लेटेस्ट और एडवांस न्यूज अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। नीचे दिख रहे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ में बताएं कि आप किस चीज से जुड़ी खबरें पढ़ना पसंद करोगे ताकि अगली बार हम आपको वो खबरें बता पाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।